भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र भागलपुर पटना NH-80 स्थित नव निर्मित चंपा पुल के पहुंच पथ भारी बारिश और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने खतरों को देखते हुए पुल के दोनों तरफ बैरियर लगाकर यातायात को बंद कर वैकल्पिक मार्ग से यातायात सुचारू किया। नव निर्मित चंपा पुल के पहुंच पथ ध्वस्त और यातायात बाधित होने से पुराने चंपा पुल पर दबाव बढ़ गया है। पुराने चंपा पुल से मात्र 3 फीट नीचे बाढ़ का पानी बह रहा है। नवनिर्मित चंपा पुल के पहुंच पर ध्वस्त होने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती मौके पर पहुंचे और पुल का निरीक्षण किया। हम आपको बता दें कि नवनिर्मित चंपा पुल का निर्माण 6 महीने पहले ही किया गया है। बहरहाल जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर क्षतिग्रस्त पहुंच पथ पर आवागमन बंद कर दिया गया है। मिलीमीटर बारिश हुई है, बारिश के चलते कई जगह मिट्टी खिसकने की बात, दीवार गिरने की बात आ रही है। तो यहीं रोड का हम लोगों ने इंस्पेक्शन अभी किया, यहाँ भी मिट्टी गिरने से रोड भी थोड़ा दरका है। तो एहतियातन इस रोड को हम लोग क्लोज कर रहे हैं। पैरेलल रोड हमारा बाईपास भी और ये पुराना पुल उपलब्ध है, उसका प्रयोग किया। छोटे वाहन नहीं, इस पर अभी कोई वाहन नहीं चलेंगे, पैरेलल जो पुल है उसके माध्यम से या बाईपास के माध्यम से। ये 6 महीना नहीं हुआ ऐसा हो रहा, देखिए रहे आप लोग सामने में, पानी है कि सही से बनाया नहीं है, केमिकल सही नहीं दिया है। ये अभी एक तो पुल बहुत दिन के बाद बना जो कि परिचालन चालू हुआ, आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड जो हम लोग का है, यहाँ पे पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।